हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वसुस पैराडाइज। आज हम बनाने जा रहे हैं फटाफट छोले मसाला। सो लेट्स बिगिन। तो गाइस, हमारे पास है वाइट चने, जिसको छोले भी बोलते हैं, काबुली चने भी बोलते हैं। इसको मैंने ओवरनाइट सोक करके रखा था, नमक थोड़ा सा डाल के रखा था और अभी दो प्रेशर कुक करके रखा है, तो ये एकदम सॉफ्ट हो गए। और हमारे पास है हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर, नमक, गरम मसाला या गोड़ा मसाला, मोटा मोटा कटा दो मीडियम प्याज, दो मीडियम टमाटर मोटे कटे हुए। अभी हम बना रहे हैं छोले की रेसिपी की शुरुआत। तो अब हम ले लेते हैं एक फ्राइंग पैन, गैस मैंने कर दी है ऑन। इसमें हल्का सा तेल ले लेंगे, ज्यादा नहीं लेना है, दो तीन टीस्पून। थोड़ा गरम तेल हो जाए, अब हम इसमें डाल देते हैं ये प्याज। प्याज को थोड़ा तेज आंच पे ही रखें गैस, प्याज को थोड़ा भुनना है, थोड़ा लाइट ब्राउन हो जाए तब तक। ये देखिए प्याज हमारे हो रहे हैं, थोड़े ट्रांसलूसेंट हो गए हैं। अभी इसमें साथ में ही डाल देंगे ये मोटे कटे टमाटर, इनको भी हल्का भून ले। ये देखिए हमारे टमाटर भी हो गए हैं अच्छे से और ये अच्छे से गल गए हैं, देखिए प्रेस करने से ही। अब हम गैस कर देते हैं बंद और इस सबको ग्राइंड कर देते हैं। ये देखिए ओपन करके देख लेते हैं, मस्त ये ग्राइंड हो गया है। अब इसको एक बोल में निकाल लेते हैं। गाइस वही फ्राइंग पैन में थोड़ा सा ऑयल ले लेते हैं, 3 चम्मच, और गैस मैं ऑन कर देती हूं। हमारी पेस्ट जो तैयार हुई थी, थोड़ा ऑयल गर्म होने देते हैं, और पेस्ट जो तैयार हुई थी वो हम इसमें डाल देते हैं। पेस्ट तो हमने डाल दी है, आंच थोड़ी धीमी कर दें नहीं तो बबल्स ऊपर आ जाएंगे, थोड़ा इसको हिलाते रहे बीच बीच में। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी और 2 चम्मच गरम मसाला। अब इसको अच्छे से भून लेते हैं। ये देखिए गाइस, धीमी आंच पे हम लोगों ने मसाले जो हैं वो अच्छे से भून लिए हैं, मसाले पक गए हैं। अब मसालों को उठा के हम लोग ये जो है छोले इनमें डाल देते हैं। मसाले छोलों में डाल दिए हैं, अब इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें छोलों में थोड़ा पानी भी ऐड कर ले अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। अगर आपको ग्रेवी थोड़ी और चाहिए, मेरे को जितनी ग्रेवी चाहिए थी मैंने ऐड कर दी है। अब इसको बॉईल करने के लिए रखेंगे फॉर 10 मिनट्स सिमर पे। गाइस 10 मिनट हो चुके हैं और गैस मैंने बंद कर दी है। अभी देखिए ये हमारे गर्मा गर्म छोले जो हैं वो रेडी हो गए हैं। बहुत लोग इनमें जो है वो चाय की पत्ती का पानी का भी इस्तेमाल करते हैं, सो दैट ब्लैक कलर आ जाए इनको, बट हमने वो नहीं किया हुआ है। अब इसको गर्मा गर्म सर्व कर ले। तो आप एंजॉय कीजिए गर्मा गर्म छोले विद राइस, पराठा, वॉट एवर यू लाइक। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज शेयर सो दैट बहुत सारे लोग ये देख सकें। और आप लोगों का प्यार के लिए थैंक यू वेरी मच। टिल देन बाय बाय।